उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत दिनेशपुर क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं प्रशासन इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। गौरतलब है कि दिनेशपुर में मिट्टी खनन माफिया रात के अंधेरे में लगातार अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। अवैध मिट्टी खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़कों का हाल बेहाल करते नजर आ रहे हैं, इसके बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। जिले के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने स्पष्ट आदेश दिया है कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध मिट्टी खनन का कारोबार नहीं होने पाए। केवल कुछ जगहों पर जैसे NHAI द्वारा सड़क में मिट्टी भरने और नदी में ड्रेसिंग के लिए जिले से परमिशन दी गई है। इसके अलावा यदि कहीं भी अवैध मिट्टी खनन होता है तो इसके लिए सीधे उप जिलाधिकारी और पुलिस को निर्देश दिए जाएंगे कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध खनन नहीं होने पाए और बिना परमिशन खनन करते हुए पाए गए तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। किन क्षेत्रों में चल रही है ये मैं जानकारी कराऊंगा, और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहाँ परमिशन दी गई है, जहाँ पर NHAI की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई है, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित SDM और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूंगा कि देखें और ऐसे इलीगल प्लेसेस से खनन न हो पाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।